तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम हम जानेंगे कि इंडियन रेलवे के अंदर कब आया। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, ट्रैक्शन का सबसे पहले मीनिंग जानेंगे। ट्रैक्शन है किसी चीज़ को खींचना या धकेलना। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज़ को खींचना या धकेलना। तो ये सबसे पहले रेलवे में कब आया हम जानते हैं। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कब सिस्टम कौन सा शुरू हुआ। देन उसके बाद हम देखेंगे इंडियन ट्रैक्शन सिस्टम जो रेलवे के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। देन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्लासेस कौन सी थी। देन उसके बाद ट्रैक्शन सिस्टम के टाइप्स कौन सी होंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट, जो फर्स्ट ट्रेन थी दैट इज मुंबई थाने, वो 1853 में लगाई चलाई गई थी। वो स्टीम बेस्ड थी, ठीक है, स्टीम बेस्ड ट्रैक्शन सिस्टम था। देन 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू कर दी गई। तो 1957 में फ्रेंच रेलवे टेक्नोलॉजी के बेस पे ये इलेक्ट्रिफिकेशन इंट्रोड्यूस की गई। 1959 में ये ट्रेन इंट्रोड्यूस करी गई जो थी 25 kV 50 Hz AC ट्रैक्शन सिस्टम। देन 1980 के अंदर अपग्रेडेशन शुरू किया गया AC ड्राइव्स का, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के बेस पे था। देन 2000 के अंदर VAP7CLW के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, जो 3 फेज 2180 वोल्ट और 6122 हॉर्स पावर पे चलता था। तो CLW स्टैंड फॉर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो बेसिकली जो हमें इंजन मिले थे वो CLW से मिले थे और BHEL से मिले थे, और कुछ हमने बाहर से इंपोर्ट किए थे। तो चलिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अंदर देखते हैं सबसे पहले होता क्या क्या है। तो ब्लॉक डायग्राम है ये, तो ये लोकोमोटिव है जो खींचेगा ट्रेन को। तो सबसे पहले ये 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, AC मोटर्स जिसके हम बात कर रहे थे, ये एक्सल ब्रशेस जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक्सल के साथ कंटिन्यू करते हैं। देन हमारे पास ये ट्रांसफार्मर आ गया जो मेन सप्लाई को स्टेप डाउन करेगा और ये अंदर रेक्टिफायर को देगा, मेन रेक्टिफायर होगा। देन यहाँ पे मेरा मेन इन्वर्टर है, देन DC लिंक है और ऑक्सिलरी इन्वर्टर है। ऑक्सिलरी इन्वर्टर ऑक्सिलरी सप्लाईज के लिए है, और मेन इन्वर्टर जो हमारा 3 फेज इंडक्शन AC मोटर्स के लिए, ठीक, जो वापस DC को AC में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, सिंगल फेज AC सप्लाई मिल रही है हमें ऊपर 25 kV की। ये सिंगल फेज AC सप्लाई को ये 3 फेज AC के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, दैट इज द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। देन इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे ऑक्सिलरी रेक्टिफायर है, DC to AC कन्वर्ट करेगा। देन लोको कूलिंग फैन है, लोको कूलिंग फैन कूलिंग के काम आएंगे, ठीक है, मोटर्स को कूलिंग करने के लिए। देन कंप्रेसर है जो एयर को कंप्रेस करेगा, वो एयर हम ब्रेकिंग के लिए यूज़ करेंगे और अदर सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे। बैटरी है जो चार्ज होगी ड्यूरिंग रियोस्टेटिक ब्रेकिंग के टाइम पे, ठीक है। देन मोटर ब्लोअर्स हैं जो मोटर को ब्लो करके कूल करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द मेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओवरव्यू ऑफ AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की क्लासेस देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली तीन क्लासेस के अंदर मैंने डिवाइड किया है इसे, बैटरी क्लास, DC, देन AC। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लोकोमोटिव क्लासेस हैं इनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं। आपने नॉर्मली ये इंजन देखा होगा, इंजन के फ्रंट में ये लिखा होता है वर्ड WAG9। तो पहले इसी को डिकोड करते हैं कि ये है क्या। इसको डिकोड करने के लिए बेसिकली है क्या, ये टर्म्स, W स्टैंड फॉर वाइड, ठीक है, जो वाइड गेज पे चलेगी। देन A स्टैंड फॉर जो इसके अंदर पावर यूज होगी, AC फॉर A और DC के लिए हम C यूज करते हैं, ठीक है। आप यहां पे भी देख सकते हैं W है गेज के लिए। देन सर्विस गेज कौन सी है, W फॉर ब्रॉड गेज, मीटर गेज Y हो जाएगा, Z से हो जाएगा नैरो गेज, एंड N हो जाएगा नैरोर गेज, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अल्फाबेट हम चेंज रखेंगे। A से है हमारे पास AC इलेक्ट्रिक, G स्टैंड फॉर थर्ड वर्ड है यो, वो लोड का, कि लोड कौन सा है, ट्रैफिक टाइप कौन सी है। P फॉर पैसेंजर, G फॉर गुड्स, तो ये हमारा गुड्स का इंजन हो गया। देन 9 क्लास, जो 9 है इसका वर्जन भी हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ हॉर्स पावर भी हो सकते हैं, देन पावर रेटिंग भी हो सकती है, और इलेक्ट्रिक्स प्लस WDM 2 टाइम्स। इसके बाद अगर इसके बाद भी कोई नंबर होता है तो वो उसके सब टाइप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर A लिखा होगा तो वो हो जाएगा इंक्रीमेंटल, इसका कोई सेकेंड वर्जन आ गया, जैसे 2.1, 2.2, 2.3। इस तरीके से हम इसे 9A, 9B, 9C लिखते हैं, जो इसका सब टाइप बताएगा कि ये उसका एडवांस वर्जन आगे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा उसका सब टाइप। तो बेसिकली इस तरीके से हम इस चीज को डिकोड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ गेज, पावर, लोड, क्लास एंड सब टाइप।
इस चीज को आपने ध्यान देना है। तो चलिए बैटरी लोकोमोटिव को जानते हैं। उसके अंदर हमारे पास दो हैं, ठीक है, NBM-1 एंड BBCI। NBM-1 जो है बेसिकली N फॉर नैरो, B फॉर बैटरी और M जो है मिक्स्ड, ठीक है। वन उसका आगे पावर टाइप आ गया। देन ये कहाँ यूज होता है, ये सेंट्रल रेलवे ने ग्वालियर लाइंस पे लगाया है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर्ड बाय भेल यूनिट्स, BHEL से मैन्युफैक्चर था 1987 में। इसके सिर्फ तीन ही यूनिट्स बनाई गई थी। देन BBCI, बॉम्बे बरोडा सेंट्रल, कुछ इस तरीके से इसका है फुल फॉर्म। इसको कहाँ पे यूज होता है, यार्ड्स एट बॉम्बे, बॉम्बे के यार्ड्स पे इसे यूज करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से इंपोर्ट किया था, यूके से इंपोर्ट किया गया था इन 1927। यूके से इंपोर्ट किया गया था इन 1927। और इसकी कितनी यूनिट थी, टू यूनिट्स। तो BBCI की फुल फॉर्म थी बॉम्बे बरोडा एंड सेंट्रल इंडिया, बॉम्बे बरोडा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे। ये बॉम्बे के यार्ड्स पे चलता है ये, और ये यूके में 1927 में इंपोर्ट किया गया था, सिर्फ दो यूनिट थी इसकी। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास डीसी लोकोमोटिव क्लासेस। डीसी लोकोमोटिव को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज। ब्रॉड गेज के अंदर ये सारे पार्ट्स हैं मेरे पास, WCM 1 से लेके 6 वर्जन तक, WCM 1, 2, WCM 3, 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सबसे ओल्डेस्ट है हमारे पास। इसके ऊपर जो भी वर्जन लिखा होगा, अगर वन है तो ये WCM 1, यस इट्स अ WCM 1, तो ये वन है, तो ये ओल्डेस्ट है। अभी इसको सिर्फ हमने रेलवे के म्यूजियम में रखा हुआ है एज ए हेरिडेटरी प्रोडक्ट। देन W फॉर वाइड हो गया या ब्रॉड गेज के लिए, C हो गया DC के लिए, M हो गया मिक्स्ड, ठीक है। फिर W वाइड, C DC, P हो गया पैसेंजर, वाइड DC के लिए और G हो गया गुड्स के लिए। WCU यूटिलिटी, मल्टी यूटिलिटी के लिए हम यूज करते थे, ठीक है। देन YCG-1, YAM-1 एंड YAU। Y किसके लिए बताया गया था, नैरोअर गेज के लिए, ठीक है। सी आपका किसके लिए आ गया, डीसी। ए आपका आ गया एसी और डीसी के लिए, दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। और इनके नीचे हॉर्स पावर बताए गए हैं कि कितने हॉर्स पावर तक ये प्रोड्यूस करता है। तो डीसी लोकोमोटिव बेसिकली 1.5 KV के ऊपर ऑपरेट होता है ये, ठीक है। इसके अंदर हम कन्वर्जन सिस्टम यूज करते हैं, और अभी डीसी लोकोमोटिव सिर्फ मुंबई के अंदर यूज हो रहे हैं, वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट करके उसे एसी में लाया जा रहा है। तो डीसी इलेक्ट्रिक मोटर कुछ इस तरीके से दिखते हैं हमें, WCM-1 है ये, ठीक है। देन WCM-2 मिल गया यहाँ पे, और WCM-5 है यहाँ पे। दिस इज द ओल्डेस्ट डीसी। देन सेकेंड वर्जन आ गया, देन उसका WCM-5 आ गया। तो ये इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज है 1.5 kV डीसी। तो इस तरीके से डीसी इंजन कुछ दिखते हैं हमें। नेक्स्ट है मेरे पास एसी लोकोमोटिव क्लासेस। एसी की लोकोमोटिव क्लासेस कौन कौन सी है। एसी लोकोमोटिव चलता किस पे है, 25 kV पे, 25 kV पे, ये आपने ध्यान रखना है। देन ब्रॉड गेज ही इसकी क्लास है। ब्रॉड गेज के अंदर इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, WAM, WAG एंड WAP। WAM 1 से लेके 4 तक, W वाइड, AAC, M फॉर मिक्स्ड, वाइड AC पैसेंजर, वाइड AC एंड गुड्स, ठीक है। इनके वर्जन बता दिया गया, 1 से 4, 1 से 7, 1 से 12 तक, वाइड वाइड AC गुड्स के लिए। WAM जो मिक्स है उसके हॉर्स पावर बता देंगे, 3640 हॉर्स पावर है। WAP की हॉर्स पावर है 6350 एंड WAG के हॉर्स पावर अप टू 10,000 हॉर्स पावर, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये, जैसे ये WAP 5। तो यहाँ पे एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कुछ और भी उठाए हैं मैंने। तो यहाँ पे WAM कुछ ऐसा होता है दिखने में। अभी ये नए लेटेस्ट इंजन है, जो फॉरेन की कंपनी है अलसम करके है, वो इंडिया के अंदर इस चीज को बना रही है, ठीक है। तो ये WAG बना रहे गुड्स के लिए। तो अभी ये लेटेस्ट इंजन है WAG-12। देन WAP-7 कुछ इस तरीके से आपको इंजन देखने को मिलेंगे WAP-7 के। देन इसके बाद है AC-DC लोकोमोटिव। पहले आपको बताया बैटरी, फिर बताया AC, फिर बताया DC। अब दोनों के ऊपर, AC और DC दोनों के ऊपर चलने वाला है मिक्स्ड टाइप, ठीक है।
तो 25 kV AC के ऊपर चलेगा और कन्वर्जन करके 1.5 kV DC के ऊपर भी चलेगा, ठीक है। तो इसको हम ड्यूल भी बोलते हैं। तो दो ही हैं, डब्ल्यू कैम 3 1 से लेकर 3 तक, डब्ल्यू कैग 1। डब्ल्यू कैम 3 वाइड, सी ए स्टैंड फॉर ए सी एंड सी स्टैंड फॉर डी सी। तो डी सी और ए सी दोनों के ऊपर काम करने वाला, डी सी और ए सी दोनों के ऊपर काम करने वाला। सिमिलरली सी ए डी सी और ए सी, जी फॉर गुड्स के लिए, ये मिक्सड के लिए। तो डब्ल्यू कैम की स्टार्टिंग हॉर्स पावर है डी सी की, सॉरी ए सी की, ए सी मैंने पहले लिखा है। तो ए सी की 3640 से लेकर 5000 हॉर्स पावर तक ये चलता है जब ये एसी के ऊपर चलेगा। तो वहीं अगर डीसी के ऊपर चलेगा तो ये मैंने लाइन लगा दी स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स डीसी। तो 2930 हॉर्स पावर से लेके 4600 हॉर्स पावर तक चलेगा। ये डब्ल्यू कैम थर्ड वर्जन है। ये डब्ल्यू कैग है वो अप टू 500 हॉर्स पावर इन एसी एंड डीसी के अंदर 4600 हॉर्स पावर, इट्स नॉट माइनस, इट्स फॉर डीसी, ठीक है। तो दीज आर द क्लासेस। नेक्स्ट है मेरे पास एसी डीसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। एसी डीसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कुछ इस तरीके से है। ये डब्ल्यू कैम 1 आगे लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू सी एम 3 है। ये एसी और डीसी दोनों के ऊपर काम करने वाला है, ठीक है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम मतलब खींचने और धकेलने के कौन कौन से हमारे पास ट्रैक्शन सिस्टम है। तो कोई भी चीज जैसे हम खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं वो हमें ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर कंसीडर करेंगे विद फॉर द लोड, लोड के लिए। तो सबसे कॉमन एग्जांपल्स आती हैं शिप्स, ठीक है, ट्रेन्स, हमारे व्हीकल्स, ये सारे क्या काम कर रहे हैं, ट्रैक्शन सिस्टम का पार्ट है। तो ट्रैक्शन सिस्टम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, नॉन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक। तो नॉन इलेक्ट्रिक के लिए मेरे पास है डायरेक्ट स्टीम इंजन, ठीक है, जो सिंपली स्टीम के ऊपर चलेंगे, ठीक है। जो पुराने इंजन थे अभी ऑब्सोलीट हो गए, अभी ये सिर्फ आपको हिली एरियाज में मिलेंगे, वो भी कुछ हेरिडेटरी साइट्स के ऊपर, हेरिटेज साइट्स के ऊपर। देन डायरेक्ट आईसी इंजन, डायरेक्ट आईसी इंजन कौन से हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक, जो बसेस के अंदर होते हैं, ट्रक्स के अंदर होते हैं, जो जिनके अंदर इंटरनल कंबस्शन होती है उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है। वो भी क्या करते हैं, ट्रैक्शन का काम आता है, खींचने के काम आते हैं। देन इलेक्ट्रिक के अंदर कौन कौन से आ गए, बैटरी ड्राइव, ठीक है, जो बैटरी ऑपरेटेड है। देन एसी डीसी ड्राइव अभी आपको दिखा है, स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव, स्टीम और इलेक्ट्रिक को मिला के हमने एक ड्राइव बनाई थी, उसको प्रैक्टिकली लॉन्च नहीं किया गया था ड्यू टू मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, तो इट वाज नॉट फिजिबल, ये बनाया जरूर गया था। देन आईसी इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव, अभी पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन है उनको इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ कन्वर्ट करके यूज किया जा रहा है, दैट इज आईसी इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइविंग, ठीक है, आईसी इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो वो आ गया रेलवे के अंदर, अपने इंटरनल कम्बशन इंजन जो इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ यूज करे जा रहे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डीजल प्लस एसी के साथ जो चल रहे हैं, ठीक है। देन पेट्रोल इलेक्ट्रिक ड्राइव, जो अभी कॉमनली हमारे पास हाइब्रिड व्हीकल्स मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो गए, जो पेट्रोल के ऊपर भी चल रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी चल रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम। आने वाले वीडियोज के अंदर हम देखेंगे कि इन सिस्टम्स को सप्लाई कैसे चलती है, फीडिंग सबस्टेशन कौन से होंगे, उनका पार्ट्स क्या क्या हैं, उन पार्ट्स के नेम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आप आने वाली वीडियोस के साथ बने रहें। तब तक के लिए टेक केयर।